हेलो बच्चों, आज भी मैं आपको एक बहुत ही यूजफुल डिफरेंस बताने जा रही हूँ बिटवीन अलाउ एंड परमिट। दोनों का ही मतलब आप जानते हो, आई नो। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है? परमिशन देना, अनुमति देना। आप मुझे पता, आपको पता है, बट इनमें कुछ तो डिफरेंस होगा, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, राइट? अनुमति देना, ठीक है, इसमें भी अनुमति देना, ठीक है। डोंट फोकस ऑन माई हिंदी राइटिंग, जस्ट फोकस ऑन द डिफरेंस व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। तो बच्चों, अलाउ इस वर्ड का हम कब यूज करेंगे? इन द एब्सेंस ऑफ अपोजिशन, ठीक है। अपोजिशन, जब कोई दो व्यक्ति का आपस में मतभेद हो रहा है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देती हूँ। आपको मूवी देखने जाना है और आपको अपने पेरेंट्स की परमिशन चाहिए पहले, ठीक है, मूवी देखने से पहले। क्योंकि अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आप परमिशन के साथ जाओगे, अगर आप अच्छे बच्चे नहीं हो तो आप विदाउट परमिशन भी जा सकते हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो आपके पापा ने तो मना कर दिया कि नहीं, मूवी देखने नहीं जाना है, ठीक है, घर में रहो, घर में पढ़ो, घर में खेलो, जो भी काम करना है घर में करो, पर मूवी नहीं जाना, ठीक है, पार्क चले जाओ, इधर उधर चले जाओ, पर मूवी देखने नहीं जाना, ओके। तो ये किसने कहा? आपके पापा ने। चलिए, लेकिन अब मम्मी को क्या है, बच्चों का बड़ा दर्द रहता है, तो मम्मी तो बोल रही है, हाँ मैं भेज दूंगी, बेटा तू चुप कर, तेरे पापा को जाने दे, तेरे को मैं भेजूंगी मूवी देखने, ठीक है। तो भाई, इधर पापा गए ऑफिस और इधर आपकी मम्मी ने आपको क्या कर दिया? अलाओ मूवी देखने जाने के लिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो आपकी मम्मी की परमिशन आपको मिली है, किस केस में मिली है? आपके पापा की एब्सेंस में, ठीक है। यानी कि जो अपोजिशन पार्टी थी, जो उस चीज़ के खिलाफ था, उसकी एब्सेंस में जो आपको परमिशन मिलेगी, उस जगह आप वर्ड यूज़ करेंगे अलाउ। समझ गए क्या? इसलिए एग्जांपल में भी मैं यही लिखूंगी, ही वॉज अलाउड टू गो टू द पिक्चर। अब यहाँ वॉज के बाद मैंने ये थर्ड फॉर्म यूज़ की है। ये क्यों की है? क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव फॉर्म का है, ठीक है। पैसिव फॉर्म में ये बना है, इट इज़ नॉट एक्टिव फॉर्म। और अगर आपको अपनी ग्रामर अच्छी करनी है, अपना इंग्लिश स्पोकन अच्छा करना है, ग्रामर किस लिए? कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की अगर आप तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम्स की, और इंग्लिश स्पोकन, ठीक है, इन दोनों चीज़ों को अगर आपको बेटर बनाना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि मेरे सारे वीडियोस इन्हीं से रिलेटेड रहते हैं, इन्हीं सब टॉपिक से। तो जैसे ही आप मेरी वीडियोस को स्टार्ट कर देंगे फॉलो करना, आप सेंटेंस देखते ही पहचान जाओगे कि भाई ये एक्टिव फॉर्म है या पैसिव फॉर्म है, ठीक है, ठीक है। और ये आपके किस में मदद करेगा? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प करता है। आगे चलो, परमिट। तो ये वाला अलाउ समझ आया आपको? नाउ कम टू दिस परमिट। इसका मतलब भी होता है अनुमति देना, लेकिन ये वर्ड को हम ऑफिशियली मैनर्स में यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या है? एक ऑफिशियल वर्ड है, ठीक है। अनुमति देना या फिर अनुमति पत्र, इस टाइप की चीजों में हम परमिट वर्ड का यूज करते हैं। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं करती, गवर्नमेंट आपको परमिट देती है, ठीक है। जैसे अगर आपको नई कंपनी खोलनी है और आपको गवर्नमेंट का कोई लेटर चाहिए या कोई भी लाइसेंस चाहिए, इट मीन्स गवर्नमेंट की तरफ से आपको वो परमिट होगा, ठीक है। यानी कि आपको परमिशन दी जाएगी सरकार की तरफ से, हाँ आप ये काम शुरू कर सकते हो। जो भी लेटर या लाइसेंस आपको मिलता है वो क्या कहलाता है? एक परमिट कहलाता है, ठीक है। तो परमिट हम यूज़ करते हैं ऑफिशियल मैनर्स में। जैसे इसका भी आप एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज परमिटेड टू गो एंड सी हिज एलिंग मदर। यानी कि उसे परमिट मिल गया कि वो भाई जाकर अपनी बीमार माँ को देख सकता है, उनसे मिल सकता है, ठीक है। अब सपोज करो आप कॉलेज में रह रहे हो, ठीक है, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में हो, तो उस केस में जो आपकी यूनिवर्सिटी आपको परमिशन देगी, अपनी एक हॉलीडे देगी ताकि आप अपनी मम्मी को देख सको जाकर, वो क्या क्या होगा? परमिट होगा, ठीक है।
या फिर आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, गूगल, ईएक्सएल, अमेजोन, ठीक है, इस टाइप की बड़ी कंपनीज में अगर आप काम करते हो और फिर आपको किसी इमरजेंसी केस में कोई भी ऑफ चाहिए, तो फिर कंपनी आपको क्या करेगी, परमिट करेगी, ओके? क्योंकि ऐसी कंपनीज में क्या होता है, आप बाय माउथ यानी कि ओरली ऑफ नहीं ले सकते हो, आपको आपको एप्लीकेशन अप्लाई करनी पड़ती है अपने पोर्टल के थ्रू, ठीक है, यानी कि एक एम्प्लॉय पोर्टल दिया जाता है उन कंपनीज में, उस पोर्टल के थ्रू आप एप्लीकेशन भेजते हो, फिर आपको वहाँ से अप्रूवल मिलता है, राइट? अप्रूवल मिलता है यानी कि आपको परमिट मिल जाता है कि हाँ भाई चलो तुम्हारा ये यानी कि तुम्हारी ये जो इमरजेंसी ऑफ है ये अप्रूव हो गई है, परमिट मिल गया है, ओके? तो परमिट वर्ड का हम यूज़ करते हैं ऑफिशियल मैनर्स में, अनुमति पत्र के फॉर्म में ये मिल जाता है, या फिर ठीक है, या फिर आपको सरकार से, कंपनी से, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से कोई परमिट मिल रहा है, ओके? सो दिस इज़ द माइनर डिफरेंस बिटवीन अलाउ एंड परमिट। आपको अच्छे से समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स के डिफरेंसेस बनाए हैं, सबके लिंक डाल रखे हैं, जाके उन्हें ज़रूर चेक करिएगा, आपके बहुत काम आएंगे, चाहे आप कॉलेज बच्चे हो, स्कूल के बच्चे हो, या फिर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि उसमें इंग्लिश का पेपर आता है, इंग्लिश के पेपर में कॉम्पिटिटिव इंग्लिश आती है, जिसमें ये सब माइनर डिफरेंस आते रहते हैं, चाहे एक्टिव पैसिव के फॉर्म में आए, फ्लिंदा ब्लैंक्स के फॉर्म में आए, या फिर स्पॉटिंग एरर्स के फॉर्म में आए, ओके? सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी वन ऑफ दीज टॉपिक्स, देन डू फॉलो मी। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय बाय।